News 18, India. योगी सरकार का एक्शन, पेपर लीक के आरोपों के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। एसटीएफ को जांच के निर्देश, 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा। लोकसभा चुनाव के लिए आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में गठबंधन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस 3 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली के अलावा गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में 7 लड़ेंगी दोनों पार्टियां। हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेंगे, कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी, लेकिन लड़ेंगे मिलकर। कुछ नेताओं के जुड़ने से जनता नहीं जुड़ा करती, उनके दिल में तो वो है जिसने जो कहा है वो किया है। गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को मिलने के बाद अहमद पटेल की बेटी ने भरूच के लोगों से मांगी मदद। अहमद पटेल के बेटे ने दिल्ली जाकर आला कमान से बात करने की कही बात। कांग्रेस ने नाराजगी दूर करने का दिया भरोसा। मेरे पार्टी वर्कर्स और मैं इस बात से खुश तो है ही नहीं। मैं मानता हूं कि ये अभी भी रिवर्स हम ये डिसीजन कर सकते हैं। किसानों को पीएम की बड़ी सौगात। दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की शुरुआत। 11 राज्यों में 11 ई पैक्स गोदामों के पायलट प्रोजेक्ट शुरू। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ को किया संबोधित। 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सरकार का जोर हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। इन इंडिया को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का इंडी गठबंधन पर बड़ा बयान। कहा, बातचीत के दौरान हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हितों का रखती है ख्याल, अंत में बन जाएगी बात। जब नेगोशिएशंस होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है और कभी कभी अलायंस में डिस्कशंस में कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं। नहीं नहीं, एंड में अच्छे परिणाम आएंगे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बड़ा सड़क हादसा। गंगा स्नान के लिए जा रहे 22 श्रद्धालुओं की मौत, 10 घायल। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन में पहुंचेंगी बिल गेट्स, जकरबर्ग समेत दुनिया भर की मशहूर हस्तियां। उद्योगपति, क्रिकेटर्स के अलावा फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी करेंगे शिरकत। 1 मार्च से गुजरात के जामनगर में प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत।